मतलब कि मैक्स फॉर्मूला आप लगाते हैं तो ओवरऑल मैक्सिमम पता चल जाता है कि कितनी मैक्सिमम है। लेकिन मुझे अगर मैक्स इफ्स का फॉर्मूला लगाना है तो मैक्स इफ्स में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर का मैक्सिमम रेंज निकल जाता है, लेकिन मैं ओवरऑल में पोजीशन चाहते हैं कि सबसे पहला अगर 105 है तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है लार्ज का, लार्ज फॉर्मूला। लार्ज फॉर्मूले को हमने सेलेक्ट किया एंड कॉमा हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, ये लार्ज वैल्यू आ गई 105, उसके बाद 90 90 90। यहाँ पे 90 कई बार रिपीटेड है इसलिए आपको 90 दिख रहा है। मैं 95 कर रहा हूँ, 98 कर रहा हूँ, 96 कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो नंबर रिपीट है तो रिपीट ही दिखेगा, अगर नंबर अलग अलग है तो अलग अलग दिखेगा, तो उसके पोजीशन के हिसाब से आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाती है। ये तो हायर में है, लोअर में चाहिए तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल का। स्मॉल फॉर्मूला क्या करता है, इसमें से सेम लार्ज की तरफ वर्क करता है और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के दे देता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर में 8 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, तो आप यहाँ इस तरह से नंबर देखेंगे।